और पूरे प्रदेश के अंदर 1,51,00,000 घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। दुर्भाग्य से जिनके हाथ में सत्ता आई थी आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस, उन्होंने देश के लिए जीना नहीं सिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने परमाणु विस्फोट करके इस देश का खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति का ज्वार जगाया। प्राकृतिक खेती एक आवश्यक है, समय की मांग है कि आजादी के अमृत महोत्सव में किसान की खेती जो घाटे की है वो लाभ का धंधा बने। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया है, जो प्राकृतिक खेती करेगा, देसी गाय के गोबर से, गोमूत्र से खाद और दवाइयां बनेगी जो छिड़काव करेंगे, और उससे हमारी मिट्टी भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, और जो अनाज पैदा होगा वो शुद्ध होगा, सब्जियां पैदा होगी वो शुद्ध होगी, अच्छी होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी। जो प्राकृतिक खेती कम से कम 1 एकड़ में करेगा किसान, उसको एक देसी गाय अगर वो पालता है तो उसको 900 रुपये महीना अनुदान दिया जाएगा। गांधी जी और दीनदयाल जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया। ये सच्चे गांधीवादी कांग्रेस ही नहीं है, ये तो नकली गांधी बनकर इन्होंने 60 साल राज करके देश को बर्बाद किया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने 7 साल में करके दिखाया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरे साथ इस वक्त है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक कृषि को लेकर के एक खास विजन रखा है। मध्य प्रदेश इस विजन को कैसे साकार कर रहा है और कृषि सेक्टर में मध्य प्रदेश से आने वाले समय में क्या करेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। सबसे पहले तो आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव है, धूमधाम से मनाए, उत्साह उमंग के साथ मनाए। और इस बार का 15 अगस्त हर घर तिरंगा झंडा लगे, ताकि लोगों के अंदर, हर नागरिक में एक गर्व महसूस हो कि हम भारत के नागरिक हैं और ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है, राष्ट्रीय ध्वज है। इसको अपने घर पे फहरा कर एक आज़ादी का उत्सव मनाएं, आज़ादी का अमृत उस महोत्सव मनाएं, और ये संकल्प लें कि हम अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के लिए जिएंगे, इस देश के लिए जिएंगे। देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वराष्ट्र है तो हम हैं, और इसलिए हर नागरिक के अंदर, हर बच्चे से लेकर हर वर्ग में देशभक्ति का ज्वार जगे, राष्ट्रभक्ति का ज्वार जगे, राष्ट्र प्रेम बढ़े और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़े, उसके लिए ये अभियान एक ऐतिहासिक अभियान चलाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर 1,51,00,000 घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा, और लोग स्वयं खरीद कर गर्व के साथ तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो एक विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, पूरे भारत में 13 करोड़ से अधिक घरों पर झंडे फहराए जाएंगे। तो ये उसके लिए मैं 15 अगस्त की भी बधाई देता हूँ, अमृत महोत्सव की बधाई, और सभी नागरिकों से आह्वान कर रहा हूँ और सभी किसान भाइयों से कि हम सब गर्व के साथ, उत्साह उमंग के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएं और अपने घर पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर गर्व महसूस करें और राष्ट्र प्रेम का ज्वार पूरे देश के अंदर जगाएं। सर, कृषि सेक्टर को लेकर के क्या अमृत महोत्सव पर आप विजन करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश बराबर आगे बढ़ रहा है कृषि सेक्टर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, विभवशाली बनाना चाहते हैं, और 21वीं सदी भारत की सदी बनाना चाहते हैं। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। जो सपना अमर शहीदों ने देखा था, उन सपनों को साकार करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और हम आज गर्व से कह सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज़ादी का इस अमृत महोत्सव में 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और 130 करोड़ नागरिक के 260 करोड़ हाथों से जो काम करेंगे समाज और देश के लिए जिएंगे, और देश के लिए अगर जरूरत पड़ी तो प्राणों की भी आहुति देंगे। लेकिन आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, बलिदान देने की आवश्यकता थी, लेकिन अब आज़ादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से जिनके हाथ में सत्ता आई थी आज़ादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस, उन्होंने देश के लिए जीना नहीं सिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने परमाणु विस्फोट करके इस देश का खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति का ज्वार जगाया।
अटल जी ने, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उसी को आगे बढ़ाया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना हो, हर नागरिक स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान देशभक्त बने। इसने नई शिक्षा पद्धति लेकर आए जो इस राष्ट्र की मिट्टी से मेल खाती, इसकी संस्कृति से खाती है, और वो स्वाभिमान पुरुषार्थ चरित्रवान देशभक्त नागरिक तैयार करेगी और उसी के बल पर देश आत्मनिर्भर होगा और देश दुनिया में सिरमौर बनेगा और 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से पूरे प्रदेश की किसानों की ओर से, जनता की ओर से, नागरिकों की ओर से, विद्यार्थियों के बच्चों, भाइयों बहनों की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हम उनका जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का वो पूरा करेंगे। हमारे किसान भी, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसान की खेती जो घाटे की है वो लाभ का धंधा बने, इस देश की मिट्टी की जो स्वास्थ्य खराब कर दिया पेस्टिसाइड के उपयोग कर करके वो स्वास्थ्य ठीक हो, जिस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य होता है ऐसे मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है, और इसलिए पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं के बराबर करें, इसलिए प्राकृतिक खेती उन्होंने प्रारंभ कराई, आह्वान किया है। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया है जो प्राकृतिक खेती करेगा, देसी गाय के गोबर से, गोमूत्र से खाद और दवाइयां बनेगी जो छिड़काव करेंगे, और उससे हमारी मिट्टी भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, और जो अनाज पैदा होगा वो शुद्ध होगा, सब्जियां पैदा होगी वो शुद्ध होगी, अच्छी होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी, और जब वो हमारे देश के नागरिक उसको खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण बीमारियां हो रही, कैंसर जैसी घातक बीमारी पंजाब ने हमने देखा है कि कैंसर ट्रेंड चल रही है, और इसलिए लोगों को जीवन बचाने के लिए, मिट्टी का स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाने के लिए प्राकृतिक खेती एक आवश्यक है, समय की मांग है, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश के किसानों से, वैज्ञानिकों से, सबने मिलकर, और सरकारों से, तो हम उसमें पूरा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हम इस बार 1,00,000 हेक्टेयर में, 99,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं सभी जिलों के अंदर, और जो प्राकृतिक खेती कम से कम 1 एकड़ में करेगा किसान, उसको एक देसी गाय अगर वो पालता है तो उसको 900 रुपये महीना अनुदान दिया जाएगा, साल भर में 10,800 रुपये एक किसान को। और उसे हर जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के अंदर कृषि के उसमें हमने लिए, और सभी गांवों में 100-100 किसान जिले के अंदर 100-100 गांवों को हमने जोड़ा है, और हर गांव में 5 किसानों को फिर हम ये अनुदान देंगे, और आने वाले समय में उसको 10 गुना बढ़ाएंगे। एक समय यह आएगा कि पूरे प्रदेश और देश के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होगा, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होगा, तो देश का पैसा जो विदेशों में जाता है वो भी बचेगा, किसान की लागत भी कम होगी, गौ वंश की रक्षा भी होगी, और गोबर से खाद और गौमूत्र से दवाई बनकर जो उपयोग होगा उससे स्वस्थ अनाज होगा, तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे, और पूरे दुनिया को हम निर्यात करेंगे, उसकी डिमांड है प्राकृतिक और जैविक की, तो वो जो प्राकृतिक अनाज होगा, सब्जियां होंगी, पूरी दुनिया में निर्यात करके भारत को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, और किसान को आत्मनिर्भर बना के किसान की आय जो दोगुना करने का संकल्प है मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो तो हमने पूरा किया, और 4 गुना और 10 गुना करेंगे। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों के लिए, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा, लेकिन आज़ादी के बाद जिनके हाथ में सत्ता रही 60 साल कांग्रेस की, उन्होंने गांव के विकास नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना लाकर गांव की प्रॉपर्टी, जो आबादी में बसता है गांव, उसका मालिकाना हक दिया, जिससे आज गांव का मकान 1 करोड़ का भी है प्लाट तो 5,000 की जमानत नहीं हो सकती, 5 रुपये का लोन नहीं मिल सकता, लिमिट नहीं बनती, साल्वेंसी नहीं बनती, लेकिन शहर में है तो ये चारों काम हो जाते हैं, और इसलिए शहर के मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, बैंकों से लोन लेते हैं तो सब्सिडी मिलती है, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय सब, और गाँव वालों को सिर्फ मजदूरी और खेती करने के लिए मजबूर किया गया। किसान को खेती के लिए खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर पाइप, इंजन का ऋण मिलता है, लेकिन मैं किसान हूं, मैं अगर गेहूं पैदा करता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे एक मैदा मिल डालना, उसके लिए बैंक लोन देते तो नहीं देती। मैं कहता हूं कि मैं आलू पैदा करता हूं, 5 रुपये किलो बेचता हूं, आलू की चिप्स 500 रुपये किलो खरीद रहा हूं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, तो मैं खुद ही आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूं, लेकिन बैंक लोन नहीं देगी। बोले शहर में प्रॉपर्टी है कि आपकी, तुम गारंटी में रखो तुम लोन मिलेगा। ये एक गलत विसंगति थी, गांव और शहर का भेद कर दिया था, इसलिए गांव पिछड़ गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना लाकर गांव का भी आबादी का सर्वे कराकर ड्रोन कैमरे से पूरे देश में लागू किया है, और हरदा जिला देश का पहला जिला है मध्य प्रदेश का, देश का, जिसने 100% प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया। मेरे जन्मदिन 6 अक्टूबर 2021 को ही 46,944 लोगों को हमने मालिकाना हक का स्वामित्व देकर, अब गांव का किसान, इस योजना के लागू होने के बाद गांव के किसान, गांव के आबादी की जमीन
पर बैंक से कोर्ट से जमानत भी करा सकता, बैंक से ऋण ले सकता, लिमिट ले सकता, सॉल्वेंसी बना सकता है और उद्योग धंधे भी लगा सकता। और इसलिए किसान अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करता था। किसान की खेती घाटे की होती थी क्योंकि जब फसल आती है उस समय मंडी में एक साथ जाती बिकने तो मांग कम होती, पूर्ति ज्यादा तो रेट कम होते। लेकिन अब किसान वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, कृषि उपकरण के लिए, किसी भी कृषि पर आधारित उद्योग लगा सकेगा। उसकी प्रॉपर्टी को गारंटी में रखकर AIF योजना लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कृषि अवसंरचना विकास फंड 1,00,000 करोड़ का, जिससे FPO के माध्यम से भी अगर अकेला नहीं कर सकता उद्योग लगा, सामूहिक रूप से लगा सकते हैं। उस प्रकार किसान को आत्मनिर्भर बनाने का, उसकी आय 2 गुना 4 गुना और 8-10 गुना करने का और गाँव को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा जो इस योजना से, स्वामित्व योजना से लाभ होगा। इससे अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गांव से पलायन रुकेगा, गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव का विकास तेज गति से होगा इस स्वामित्व योजना के मालिकाना मिलने के बाद, और उससे गांव से बेरोजगारी दूर होगी। जो गांव के लोग शहरों में आके झुकी झोपड़ियों में रहते, नदी नाले किनारे, घूम मुक्त होगा, पलायन रुकेगा। गांव में प्रधानमंत्री आवास है, गैस टंकी चूल्हे में खाना बनाएगा और अपने गांव में इंडस्ट्री में और खेती में काम करेगा। और गांव का किसान जो 5 रुपए किलो में आलू बेचता था, 500 में चिप्स खरीदता था, वो खुद अपनी चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, टमाटर सॉस की फैक्ट्री लगाएगा, मैदा मिल लगाएगा, ऑयल मिल लगाएगा, दाल मिल लगाएगा, कृषि उपकरण की फैक्ट्री लगाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, वेयर हाउस बनाएगा, जिससे वो खुद जब तो गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वो बेरोजगारी दूर होगी। जो नौकरी पढ़े लिखे लड़के किसान के, वो नौकरी के लिए भटकते हैं, नौकरी की बजाय वो नौकरी देने वाले बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे और मुट्ठी भर शहर की जगह 70% गांव जो वो भी आत्मनिर्भर बनेगा। और इस देश से बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी और गांव आत्मनिर्भर होगा और दो हाथ को काम मिलेगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा इस स्वामित्व योजना से। इस सारी समस्याओं का हल स्वामित्व योजना गांव के समय, और ये प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए दिया है, उनका मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ और लाख लाख करोड़ों बधाई देता हूँ। ये योजना हिंदुस्तान की तकदीर तस्वीर बदल देगी, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएगी और गाँव को और इस देश से बेरोजगारी दूर होगी और दो हाथ को काम मिलेगा। यही काम जो आज़ादी के बाद करना चाहिए था, दुर्भाग्य से कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो अभिनंदनीय है, ऐतिहासिक है, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ये योजना है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज़ाद हुआ भारत 15 अगस्त 1947 को कायदे से ग्रामीण गांव को आज़ादी दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। दूसरा, गांधी जी और दीनदयाल जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया। ये सच्चे गांधीवादी कांग्रेस ही नहीं है, ये तो नकली गांधी बनकर इन्होंने 60 साल राज करके देश को बर्बाद किया। देश में बेरोजगारी, भुखमरी, बेकारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन मोदी जी ने इन सबको हटाकर, इसलिए मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी जातिवाद मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी अलगाव मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत यानी गरीबी मुक्त भारत, क्योंकि ये इनके ये दोषी है। 60 साल जो काम 60 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने 7 साल में करके दिखाया। और आज देश के अंदर ज्वार जगा राष्ट्रभक्ति का, प्रधानमंत्री जी कोई आह्वान करते हैं पूरा देश उसको मानता है। ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, हमारे लिए गर्व है कि हमको ऐसे नेता मिले, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे हैं। और इसलिए दुनिया में नंबर एक स्थान पर भारत जाएगा अपनी आंखों के सामने, 21वीं सदी भारत की बनेगी। और इसलिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। और सच्चे गांधीवादी भी इस देश में कोई है तो मोदी जी हैं, क्योंकि गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नहीं, मोदी जी ने पूरा किया। वो चाहते थे गांव के विकास से देश का, तो इस योजना से गांव का विकास होगा, गांव की बेरोजगारी दूर होगी और दो हाथ को काम मिलेगा और किसान की आय 2 गुना 4 गुना 6 गुना और महंगाई पे भी योजना कंट्रोल करेगी, क्योंकि अभी मल्टी बड़ी बड़ी कंपनियां 5 रुपए 10 रुपए किलो में खरीदती है और 500 रुपए किलो में बेचती है, लेकिन जब गांव-गांव में किसान अपने समूह बनाकर फैक्ट्रियां लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, जो द्वार खोले हैं AIF योजना से, अभी मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि अवसंरचना विकास फंड 1,00,000 करोड़ दिया है उसमें मध्य प्रदेश ने 2,882 करोड़ हमने स्वीकृत कर दिए हैं, पूरे देश में हम नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे वो दो, और उसमें से 2,112 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिया है, इन्हें किसानों को और कंपनियों को और FPO को दिए हैं और सोसाइटियों को दिया है। और दूसरे नंबर पे वो राजस्थान, लेकिन वो हमसे, हमने 2,112 करोड़, दूसरे नंबर वाला हमसे बहुत पीछे है 560 करोड़, तीसरे नंबर महाराष्ट्र से 540 करोड़ और हमें 2,112 करोड़। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने यह सफलता हासिल की। अभी ही कल ही मैंने मुख्यमंत्री जी को जो हमको शील्ड मिली है, पुरस्कार मिला है भारत सरकार
से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो दिया हमको कृषि विभाग को, वो हमने भेंट किया मुख्यमंत्री जी को। ये हमारे लिए गर्व की और संतोष की और गर्व की बात है, और इसलिए ये किसानों की उपलब्धि है, ये हमारे विभाग की उपलब्धि है, मुख्यमंत्री शिवराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को लगातार 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, और आने वाले समय में भी हमको मिलेगा। और हम किसान को घाटे की खेती से लाभ का धंधा हम खेती को बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी है। जैसे ही मैं मंत्री बना, जब फसल हमारी चना सरसों मसूर गेहूं से पहले आती, लेकिन खरीदी बाद में जाती थी, हमने मार्च में खरीदना शुरू किया। जो 25 क्विंटल खरीदते थे एक दिन में, वो सीमा हटा के हमने 40 क्विंटल अनलिमिटेड किया। जो 15 और 13 क्विंटल प्रति हेक्टर सरसों 15 क्विंटल चना खरीदते थे, हमने 20 क्विंटल किया, क्योंकि 20 क्विंटल होता, और उससे किसानों का पूरा माल सरकार के समर्थन मूल्य पे आने लगा। तो मंडी में माल नहीं गया तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हो, तो उद्योगों की डिमांड बढ़ी, तो समर्थन मूल्य से ऊपर किसान को रेट मिला, और 10,000 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश में हमने मान मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों को दिलाने में सफल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है किसान की आय दोगुना होना, उसमें देश में मध्य प्रदेश अग्रणी है। हमने ये करके नीतिगत निर्णय में परिवर्तन करके हमने किया, ये हमारी उपलब्धि। मुझे भी संतोष है कि मैं कृषि मंत्री के नाते मैं किसानों का बेटा हूं, किसानों के लिए हमने किया, इसलिए हमें संतोष है। हमने तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल मोदी जी का जो आय किसान की दोगुना करना, उसी को मार्गदर्शन मान के किया। और डैम का जो पानी बारिश के अंदर वैसे ही छोड़ देते थे, समुद्र में चला जाता था, उसको सदुपयोग करके ग्रीष्मकालीन पानी छुड़वा कर हमने मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ 50% पूरे देश से ज़्यादा अकेले मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में भी हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, नरसिंहपुर, जबलपुर में उस पूरे प्रदेश में जितना होता है उसका अकेले उससे 60% होता है। और हमने इस बार 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल हुआ के 16 लाख मेट्रिक टन मूंग उत्पादन किया, और वो समर्थन मूल्य पे हम खरीद रहे हैं। बाजार में 1,500-2,000 रुपये कुंटल कम है, लेकिन हम 7,275 रुपये में खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अभी हमारी खरीद शुरू हो रही है, इससे किसान को 2-3 गुना रेट ज़्यादा मिल रहा है, और किसान की आय प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो 2 गुना करने का, उसमें हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार 1,000 करोड़ रुपये हम किसानों को दिलाने में सफल हुए। फसल बीमा योजना, अगर फसल खराब हो जाती प्राकृतिक आपदा से, बाढ़ से, ओले से, कीट से, तो फसल की क्षतिपूर्ति हम करते हैं। देश में नहीं, वर्ल्ड में सबसे अधिक बीमा दिलाने वाला मध्य प्रदेश राज्यों का। हमने 2 साल में 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में सीधा डाला है, और इस बार हमने अरिणी किसानों का बीमा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का है कि सबसे गरीब, सबसे दीनदयाल उपाध्याय जी का सबसे पीछे, उसको हमको सबसे पहले आगे लाना है। तो किसानों में सबसे पिछड़े किसान है वनवासी, जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं आदिवासी, उनको चूंकि वन ग्राम होने के कारण, उनका राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण उनको पटवारी हल्का नहीं है, पटवारी हल्का नहीं होने उनको बीमा नहीं होता था, लेकिन हमने उसको लिंक किया राजस्व ग्राम से, और हरदा से और सीहोर से हमने शुरू किया था पिछले साल। इस बार पूरे प्रदेश के किसानों का हम वन ग्राम का भी बीमा करा रहे हैं, किसानों को पिछली बार ही कर दिया था, और उसके कारण बीमा वन ग्राम को मिलेगा। जो सबसे पीछे है विकास की कतार में, उसको भी हमने जोड़ा है, और अरिणी किसान का भी और डिफॉल्टर किसान का भी बीमा कर रहे हैं। वन ग्राम वाले किसानों का, वनवासियों का बीमा कराकर उनका भी करा के हमने 74 लाख आवेदन हमारे पास अब तक आ चुके हैं, जो पहले 25-30 लाख ही आते थे। तो इस प्रकार बीमा में भी देश में नंबर वन हम, हमारे हर क्षेत्र में हम नंबर वन बने, ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का सपना है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा कर रहे हैं, और किसानों की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं, और इसलिए हमें बहुत खुशी है कि मैं कृषि मंत्री हूँ, और कृषि मंत्री के नाते इन 2 वर्षों के किसानों के लिए जो हमने काम किया है वो आज तक कभी नहीं हुआ था, और इसलिए मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार मिल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व मार्गदर्शन। दूसरा, चने की फसल सागर संभाग में सबसे अधिक होती है, विदिशा, रायसेन और हरदा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम और नरसिंहपुर, ये लेकिन ये 8 जिले ऐसे थे जहाँ तिवड़ा भी होता है, जिसमें नरसिंहपुर, जबलपुर, आपका रायसेन और सागर संभाग, और तिवड़ा मिस होने के कारण खरीदने में दिक्कत जाती थी, कई सालों समस्या थी। हमने मंत्री बनते थे, मैंने उस समस्या को देखा, बीमारी क्या बीमारी पकड़ी, और हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इन 8 जिलों को लेकर पूरा बीज बदल दिया जो तिवड़ा मिक्स था, और नया बीज दे दिया उनको 3,000 रुपये में 50% अनुदान पे, और उनको कहा आपका तिवड़ा मिक्स आप 5,000-6,000 में 7,000 में बेच लो, और इस प्रकार पूरा बीज बदल दिया, तो वो तिवड़ा मिक्स वाली समस्या भी खत्म हो गई। तो हर समस्या का हल खिलता कमल, हमने वो समस्या का हल किया, और किसानों की क्या क्या समस्या में किसान होने के कारण अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमने नीतिगत निर्णय में परिवर्तन भारत सरकार से भी कराया, और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जिसने ये 25 क्विंटल की सीमा हटवाई, ये 20 क्विंटल किया, और किसानों को MSP से ऊपर दिलाने में सफलता प्राप्त की। हम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान न्यूनतम क्यों, आप एक सुई है वो भी
एमआरपी है उसकी, पेन की एमआरपी, हर चीज की एमआरपी है, सिर्फ किसान की फसल की एमआरपी नहीं, तो किसान की इसलिए नहीं कि नीतियां नहीं थी। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में ऐसी नीति बना दी है जो किसान अब खेती भी करेगा, उत्पादन भी करेगा, ग्रेडिंग भी करेगा, पैकेजिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा और अपना खुद माल बेचेगा, यानी एमआरपी वाला बनाएंगे किसान को, और बिचौलिए खत्म होंगे, और जो 500 कमाते थे वो नहीं, कम से कम 500 रुपए भी देंगे तो देश में सस्ताई भी मतलब आएगी, महंगाई भी खत्म होगी, जो मोनोपाली मुट्ठी भर लोगों की वो खत्म होगी, विकेंद्रीकरण होगा और दो हाथ को काम मिलेगा गाँव में, ये इस योजना से। इसलिए हम किसान को एमएसपी नहीं एमआरपी वाला बना रहे हैं, ये हमारी आजादी महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प सपना देखा, संकल्प लिया, उसको हम पूरा कर रहे हैं। प्रदेश का, देश का पहला राज्य जो मध्य प्रदेश, इसको पूरा करने में प्रधानमंत्री जी के हर सपने को हम साकार करने में लगे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये थे कृषि मंत्री कृषि पटेल जी, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में किसान को एमआरपी वाला किसान आत्मनिर्भर बना करके आजादी के अमृत महोत्सव में मनाएंगे। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।